9 7 9 0 4 2 0 8 9 मैंने कहा तो बिजली जा सकती है कभी मेरा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करने का उद्देश्य मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है उसके संबंध में ग्रामीणों को जानकारी देना ताकि जो उन्हें लाभ मिलना चाहिए वो लाभ लेने से वो वंचित न रहें। और दूसरा पक्ष इसका है कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें छूटी रहती है जो हम लोगों के संज्ञान में नहीं आ पाता है। तो ग्रामीण जब एकत्रित होते हैं और सारे ग्रामीणों के द्वारा जो उस क्षेत्र का स्पेसिफिक कोई भी समस्या होती है उसको वो लोग बताते हैं तो उसको हम लोग संज्ञान में लेके और उसका निस्तारण करते हैं। सर बहुत सारे ऐसे भी यहाँ पे जनता आए हैं जो अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे आप लोगों को अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल 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 लोग के निवारण के लिए क्या वही जो चीज़ बता रहे हैं कि जैसे उनके द्वारा जो बताया गया जो ब्लॉक स्तर पे निष्पादन होने का है उसको BDO साहब CO साहब के द्वारा निष्पादित किया जाएगा। कुछ ऐसी भी समस्याएँ होंगी जो कि ब्लॉक स्तर पर नहीं निष्पादित होगी उसको समेकित कर हम लोग जिला में भिजवाएंगे, जिला स्तर पर उसका निष्पादित। जो प्रखंड पंचायत ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो उन्हें सलाह दिया जा रहा है कि आप जिला के पदाधिकारी संपर्क करें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये बोले कि प्रतिनिधि मंडल के रूप में, देखिए चूंकि अभी जो प्रश्न था वो मैं सुन रहा था वो किसी भी ब्लॉक में अभी उसका नहीं हुआ है, अभी मतलब वो शुरुआत नहीं हुई है। जैसे ही शुरुआत होगी तो यहाँ भी हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ नहीं हुआ है, ये अभी जैसा कि उनके द्वारा जानकारी कहीं नहीं हुआ। तो उस विषय पर बोले कि आप लोग जिला स्तरीय पदाधिकारी से प्रतिनिधि मंडल के रूप में मिल सकते हैं। आम पब्लिक होगा, देखिए जनता दरबार पहले जो लगाया जाता था वो सरकार का एक योजना था। सरकार सिर्फ कोरम पूरा उसमें किया है, उसमें किसी तरह का जनता को कोई फायदा हुआ नहीं है। ठीक है, अब रहा सवाल कि नई सरकार आई है, नई योजना लेके आई है और एक उम्मीद किया जा सकता है कि इस सरकार के नेतृत्व में बेहतर काम होने की संभावना है। मौके पर आप भी मौजूद थे, जो शिकायतकर्ता आपने शिकायत लेके भी आए थे लेकिन उनको पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि आप जिला के पदाधिकारियों से संपर्क करें। कि ऐसे में सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत क्या इसका बेनिफिट मिलेगा जब जिला पे ही लोग संपर्क करेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, इस पर ये बात भी कहा गया कि स्थानीय जो आपका प्रतिनिधि होगा उनसे आप ये बात को थोड़ा मिल के देखिए और ये समस्या अगर यहाँ से निदान नहीं होता है तो जिला जाना होगा। तो ऐसे सूरत पे जो यहाँ समस्या, मान लीजिए यहाँ से बहुत सारा चीज़ को करके भेज दिया जाता है, जैसे यहाँ अभी हम हाल के दिनों में CO साहब से बात किया था तो उनको हम दिए थे विधवा और वृद्धा पेंशन के लिए कुछ, जिसमें करीब करीब 3 से 4 हज़ार था जो कुछ बन के आ गया और अभी भी लगभग 2500 से ऊपर बाकी है। तो हमने CO साहब से इस पर सवाल किया तो बोले कि भाई वो SDO के यहाँ पेंडिंग है, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। तो रहा सवाल कि जो यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ के पदाधिकारी नहीं करते हैं तो दोषीदार वो होंगे, लेकिन जो यहाँ नहीं हो सकता वो निश्चिंत है कि स्थानीय प्रतिनिधि या जो भी उस तरह के जान मान्य लोग हैं उनसे मिलके और जिला में भी जाके इसको करने का काम करें। सरकार आपके द्वार जो ये योजना है ये पूर्व की सरकार की भी थी और इस बार की भी जो नई सरकार आई है, पर इस बार नई सरकार से उम्मीद बहुत ज़्यादा है लोगों को, इसी के लिए आज जो है काफ़ी संख्या में लोग आए और अपना अपना जो भी मांग था उसको पदाधिकारी के बीच में रखे, आवेदन के माध्यम से रखे। बहुत लोग जो है खड़े होकर भी बोले, अपना जो है जो भी दुख तकलीफ या जो भी मांग था वो पदाधिकारी के सामने सभी ग्रामीण रखे। मैंने वो एक उत्साह देखा गया सरकार आपके द्वार को लेकर। पर हम चूँकि कई बार से देखते आ रहे हैं सरकार आपके द्वार में पब्लिक तो आती है, पब्लिक अपना समस्या बताती भी है पर वो पूरा हो नहीं पाता। आप देखते हैं कि ये सरकार जो है कितना कर पाती है लोगों की समस्या दूर। कितना उम्मीद लग रहा है इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से आप फायदा क्या पहुंच सकते हैं? अब तो अभी आए हैं, अभी इसके बारे में तो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात हुई तो बोले कि अभी चल करके हम आपको तुरंत ऑफिस चलते हैं, इस पर हम कार्रवाई करेंगे।